नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एसएससी का फॉर्म पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, दिखा नहीं रहा है, फॉर्म कैसे फिल किया जाए। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन है हमारा एसएससी में तो क्या फिर से हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड जो भी आपके इशू हैं उन सवालों का जवाब जो मैं लेकर आया हूँ। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं एक बार इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एसएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको समय समय पर मिलता रहे, क्योंकि एसएससी में 20,000 वैकेंसी काफी दिनों बाद आई है। तो और सिलेबस भी आप देख रहे हो कि पैटर्न भी आपका चेंज हो गया है, जो आपका टीयर वन है सिर्फ आपका क्वालिफाइंग हो गया है, और टीयर टू में जो बच्चे भयभीत होते थे कि सिर्फ इंग्लिश और मैथ ही आता है तो अब मैथ को कमजोर करने के लिए रीजनिंग ला दिया गया है वहां पर, और इंग्लिश को कमजोर करने के लिए जीएस का सेक्शन दे दिया गया है। तो ये सभी के लिए, चाहे वो राज्य स्तरीय बच्चे हों चाहे केंद्र स्तरीय की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी एक तरह से दे दिया गया है। तो अभी जो आपके सवाल है उनके जवाब पर पहले पहुंचते हैं कि क्या जितने भी लोग हैं सभी को नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप एसएससी के फॉर्म पहले से फिल कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, जो भी आप फॉर्म फिल किए हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी जिसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो एसएससी पर, तो आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पर आपको वेबसाइट खोल के मैं दिखा दे रहा हूं कि ये देखिए वेबसाइट है। आप जब जाओगे एसएससी वाले पर तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, सिंपल सी है। थोड़ा सा मैं इसका ब्राइटनेस कम कर दूं ताकि आपको चीजें दिखने लगे। अभी यहां पर देखो, यहां लिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एसएससी का। तो अगर आप पहले से रजिस्टर हो, आप सोचोगे सर रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से निकालें, कभी फॉर्म भरे होंगे लेकिन अब मन कर रहा है फिर से फॉर्म भरने का क्योंकि सिलेबस और पैटर्न चेंज हो गया है, तो आप अपना ईमेल आईडी, ठीक है, जो ईमेल आईडी है आप अपना, उस पर सर्च मारना एसएससी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो आपका कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप भर देना, हो सकता है कि आपका पासवर्ड ना मिले, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए यहां पे आता है फॉरगेट पासवर्ड, पासवर्ड फॉरगेट करना, वहां पे आपका फिर से क्या पूछेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा और भी डिटेल जो पूछेगा उसको फिल करना, तो आपको नया पासवर्ड सेट करने के लिए देगा और फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के जैसे लॉगिन करोगे कैप्चा डाल के वैसे ही आपका पोर्टल पूरा खुल जाएगा, दिखाएगा आपने कब कब कौन कौन सा फॉर्म फिल किया है, और वहीं पे आएगा आपका अप्लाई, मतलब एसएससी सीजीएल वाला जो एप्लीकेशन आएगा और नीचे लिखा रहेगा अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो आप अप्लाई कर दोगे वहां पे तो आपका हो जाएगा। हाँ, लेकिन कोई बच्चा एकदम नया है एसएससी में, पहली दफा अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो उसके लिए अलग से है। उसके लिए जब आप एसएससी की वेबसाइट ओपन करोगे तो यहां आ रहा है न्यू यूजर, मतलब आप पहले यूजर हो, आपने इससे पहले कोई भी फॉर्म नहीं भरा है जो एसएससी कंडक्ट कराती हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी हो, तो आप यहां पर न्यू यूजर पर क्लिक करना। अब जैसे ही न्यू यूजर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा देखो, न्यू यूजर पे क्लिक करते ही आपको यहां पर देखो ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा और फॉर्म में कुछ ऐसा रहेगा कि डू यू हैव आधार कार्ड, तो हां आधार कार्ड है तो भैया यस कर दो, आधार का नंबर डाल दो, फिर उसी नंबर को वेरीफाई कराएगा आपसे, ठीक है, पूछेगा कैसा आईडी है तो बता देना, अगर आधार नहीं है तो दूसरा आईडी आपसे पूछेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर आपसे पूछेगा, फिर आपका नाम यहां पर फिल कराएगा, आपके नाम को फिर से वेरीफाई कराएगा, जो भी डिटेल दे रहा है डबल डबल आपको वेरीफाई करा रहा है, फिर यहां बोला है कि अपने नाम को चेंज करना चाहते हो तो वो सब चीजें, फादर नेम फिर दोबारा वेरीफाई कराएगा, मदर नेम फिर से वेरीफाई कराएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका हो गया वो, और टेंथ की जो आपके मार्कशीट है उसका जो रोल नंबर है, ठीक है, और कब आपने एजुकेशन किस बोर्ड से किया, सीबीएसई जो भी हो, यूपी बोर्ड, आईसीएसई जो भी हो, आप भर सकते हो यहां पर, फिर अपने बोर्ड का यहां पे वेरीफाई करो, रोल नंबर डालो टेंथ का उसको वेरीफाई करो, पासिंग ईयर फिर उसको वेरीफाई करो, मतलब सभी डिटेल को डबल डबल वेरीफाई करना है, उसके बाद से जेंडर भी वेरीफाई करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, मोबाइल नंबर, हाँ कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको मोबाइल नंबर वही रहना है जो आप यूज कर रहे हो और जिसमें सभी मैसेज और ओटीपी आते हो, नहीं तो फिर आगे समस्या हो जाएगी। जो मैंने कहा कि पता चले आप पासवर्ड भूल गए रजिस्ट्रेशन का तो ओटीपी आती है,
तो वो ओटीपी आपका मेल भी ऐसा डालो जो आपका ईमेल है, ईमेल आईडी भी ऐसा डालो जो रनिंग में हो, ऐसा ना कि कभी का पुराना डाल दिए, और मोबाइल नंबर जिसमें सभी ओटीपी आती हो अच्छे तरीके से और चल रहा हो और उसे भी आगे भी और चलाना हो उसी मोबाइल नंबर को आप लोग यहां पे डालना। परमानेंट एड्रेस डालोगे और जैसे सेव करोगे और आगे बढ़ोगे तो फिर और आपकी डिटेल पूछेगा कि आपका जेंडर मतलब कास्ट क्या है, ये सब चीजें आपका पूछेगा। तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे आपके सामने फॉर्म आगे का प्रोसीजर होगा नया रजिस्ट्रेशन वाले बच्चों का। जो नया रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे होंगे उनका जो फॉर्म होगा वो आपका कैसे आपका दिखेगा, आप अगर नोटिफिकेशन अच्छे से देखे होगे ना तो वहां सब कुछ डिटेल में दे दिया है कि आपको कैसे कैसे करना है। देखो ये मैंने आपको बता दिया कि जब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वाले पे आते हैं, ये रजिस्ट्रेशन वाला है कि आपका जब भी जैसे ये वाला पेज मैंने आपको वहां पे ओपन करके दिखाई दिया था, जैसे ही सेव करोगे तो अगला आपका पेज खुलेगा, वो पेज आपका कुछ ऐसा खुलेगा जिसमें आपको कैटेगरी से रिलेटेड जानकारी आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद से उसको वेरीफाई करना, यहीं पे आप अपना कैटेगरी चूज कर सकते हो। हाँ, अब कुछ बच्चों का ये प्रश्न रहेगा कि सर मैं ना पहले EWS नहीं था लेकिन अब EWS सर्टिफिकेट हो गया है, तो अगर वो पुराने रजिस्ट्रेशन से करेगा तो जब उसका ओपन होगा ना तो वहीं पे आपका जब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के ओपन करोगे तो वहीं पे आता है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। तो ये सब रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल मांगी जाती है, आप एडिट करोगे, यहां देखो ऑप्शन आ रहा है एडिट का, तो वो पुराने जो बच्चे हैं जो पहली दफा नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो यहां से अपना जो भी अगर जनरल थे EWS करना चाहते हो तो वो EWS कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आप मार्क्स बता दो, आप ये सब पूरा फिल करो जो भी आपका यहां पर डिटेल दिया गया है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट यहां पर सब कुछ अपना एड्रेस डालने के बाद यहां पर आप क्या करोगे, प्रीव्यू और सबमिट फाइनल करोगे। अब जैसे ही फाइनल सबमिट कर लोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल खुल जाएगा और उसके बाद उसी में आएगा अप्लाई SSC CGL और भी जितने SSC के फॉर्म चल रहे हैं वो सभी आपको दिखने लगेंगे। तो आप SSC CGL पे करना, फिर अब आपका SSC का फॉर्म यहां से शुरू होगा, यहां पर अपना जो आपका नाम जो रजिस्ट्रेशन नंबर में डाले थे जब रजिस्टर कर रहे थे वो ऑलरेडी भरा हुआ आएगा, आपका नाम, आपके पिता का, आपका मदर का नाम और ए जो सब आप ऑलरेडी आ जाएगा यहां पर, आपका जो नंबर उम्बर है बोर्ड का मार्क्स मतलब बोर्ड और आपका रोल नंबर किस ईयर में पास हुए सब भर के आ जाएगा। लेकिन आपको जो सेंटर होगा ना कि आपको सेंटर कौन सा एग्जाम का चूज करना है, आप 3 सेंटर चूज कर सकते हो, वो आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद से आपको अगर डिसेबिलिटी है वो सब चूज कर सकते हो और कुछ जो पोस्ट आपके होते हैं अलग अलग उनके बारे में भी आपको यहां पर देखो यस नो आएगा कि आप डिसेबिलिटी हैं तो आप यस करो या नो करो, उस हिसाब से आएगा। उसके बाद से यहां पर देखो पूछ रहा है कि आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, तो अगर क्वालिफिकेशन रखते हो तो यस कर दो, ठीक है। आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए रखते हो कि नहीं पोस्ट जूनियर के लिए, फिर एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे, किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन है आपका, ओबीसी या SC ST में आ रहे हो तो यस कर दो, यहां पे आप अपना डाल दो। उसके बाद से क्वालिफिकेशन डालो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है और अपना नाम और परसेंटेज जो भी हो यहां पे आप फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद से आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस डालोगे, फिर आपका कुछ ये वाला आएगा, इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिसेंट के 3 महीने का होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, रिसेंट इमेज आप रखो यहां पर और अच्छे से फोटो अपलोड करो और सिग्नेचर अपलोड करो, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर आप कैप्चर डालना, आई एग्री पर क्लिक करना, प्रीव्यू करना, पूरा फॉर्म आपका एक बार आ जाएगा, कोई चीज छूटा होगा तो आप उसमें देख लेना, फिर आप सबमिट कर सकते हो। फोटो का यहां पर बोल दिया कि भाई आपका फोटो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं फोटो में टोपी लगाए हो, आधी फोटो आ गई, ब्लर फोटो आ गई, तो वो आपका हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लिया जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट में अगर हम बात करें आपसे, चलो कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको पूरा का पूरा जैसे बोला ना कि पोस्ट प्रिफरेंस कैसे भरें, तो मैंने आपको दिखाया, अभी कास्ट सर्टिफिकेट पे बाद आएंगे, पोस्ट प्रिफरेंस कैसे भरें, तो बच्चों यहां पर आपसे पोस्ट प्रिफरेंस नहीं मांगा है, पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है पोस्ट प्रिफरेंस, क्योंकि अभी आपका मेंस है तो उस समय पोस्ट प्रिफरेंस आपसे मांगेगा
अभी नहीं मांगेगा, आप प्री क्वालिफाई करो, फिर जब आपका हो सकता है मेंस का अगर फॉर्म फिल अप कराता है, अगर फिल नहीं कराएगा भी तो आगे चल के आपके जब भी डीवी चाहे कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग मांगेगा, चांसेस हैं कि मेंस में आपसे मांग ले। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए चिंता ना करो, अभी आप प्री के पर फोकस हो को, पोस्ट प्रेफरेंस आपका कहीं भी फॉर्म के समय नहीं मांग रहा है, तो इसकी व्यर्थ चिंता नहीं करना है, आपको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करें, जैसे ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अभी अगर हम मैं आपसे दिखाऊं तो यहां पर आपको खुद ही एसएससी ने आपका सर्टिफिकेट के बारे में दिखा दिया है कि कैसे कौन कौन से सर्टिफिकेट किस में होना चाहिए। जैसे एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो कुछ इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में आप जाओ सेंट्रल से जो बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो कोई डेट नहीं दिया है फॉर्म में कि आपका इतना पुराना हो चाहे इतना नया हो, ठीक है। अगर आपके पास है तो टू गुड है, अगर एक दो साल पुराना है तो, नहीं है अगर बन जाता है रिसेंट का तो वो भी बनवा लो, ठीक है, अगर दो साल तीन साल पुराना है तो चल जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब चल जाता है क्योंकि ऐसा कोई डेट डिफाइन नहीं किया, सेंट्रल का सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में उसने मांगा है, यही फॉर्मेट वो दे देता है, तो इस फॉर्मेट में आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट एससी का ऐसे बनना होना चाहिए, ठीक है। देख लो एससी का सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा है, ये ऐसे बना होना चाहिए, उसके बाद से ये पूरा उसी का फॉर्मेट है। हाँ, अब देखो ये बैकवर्ड क्लास का है, बच्चे काफी बैकवर्ड क्लास में ज्यादा पूछते हैं कि सर मेरे पास स्टेट का है तो क्या सेंट्रल में चल जाएगा। स्टेट वाला क्या होता है, हस्तलिखित होता है, कभी कभी इंग्लिश में नहीं होता है, तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि जो इफ बट वाला कंडीशन है कि होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, तो ये सब क्या है सोच रहे हो, अगर आपका नहीं है सेंटर वाला तो बनवा लो, कितना समय लग जाएगा, 10-15 दिन लग जाएंगे, ठीक है, आराम से बन जाएगा आपका, तो इसको आप बनवा लो, अगर नहीं है इसी फॉर्मेट में जाके कहना कि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, जो भी संस्था आपकी बना रही है वो इस फॉर्मेट में हो बना दे, और जॉब ओबीसी वाला इसमें भी कोई डेट नहीं मांगा है कि कब का होना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास रिसेंट के 2-3 साल के हैं तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला की बात करें, तो यहां बोला वैलिड फॉर द ईयर किस था, तो वहां पे आपके हमेशा ये देखा गया है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो एक साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो जिसके पास भी ना हो वो देखो, और जो भी जिसके पास होगा तो वो स्टेट वाले क्या करते हैं ना, हिंदी में लिख के बना देते हैं, तो हो सकता है कि आपका ना माने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि माने ना माने, हिंदी में लिखा हुआ, आप अगर इस फॉर्मेट में कह दो, जाओ अपने तहसील में कहो कि हमें इस फॉर्मेट में बना के दो, अंग्रेजी में लिख के दो कि यहां पे ऐसे 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 ऐसी चीजें हैं, फॉर्मेट हमें यही दो, बाकी आप साइन कर दो, स्टैंप लगा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन फॉर्मेट हमारा ये रहो क्योंकि एसएससी ने फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। तो यहां पे इस फॉर्मेट पे आप अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, 10 दिन का 12 दिन का काम है भाई, बनवा लो, और जिसके पास बना हुआ है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टेट के फॉर्मेट पे है तो हो सकता है माने ना माने, लेकिन आप अपने जो दुविधा है उसको समाधान करने के लिए आप सेंट्रल वाले इस फॉर्मेट पे भी एक बनवा लो, जाके उनसे बात कर लो कि क्या ये सेंटर पे चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो एक तरह से इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए जरूर ध्यान रखना कि ईडब्ल्यूएस मैक्सिमम एक साल के लिए ही होता है शायद, तो आप ईडब्ल्यूएस का जो होगा सर्टिफिकेट वो इसी फाइनेंशियल ईयर का हो तो सबसे ज्यादा उचित है और वही माना जाएगा, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम समाप्त हो गया। और भी आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि फॉर्म आसानी से फिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दो क्योंकि समय आपके पास कम है। और जो भी हो, अब ऐसा नहीं है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो चाहे आपका पासिंग हो चाहे जो भी हो, वो सभी फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ये जरूर याद रखना, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, वो सभी 8 बोला है ना लास्ट डेट 8 अक्टूबर, उससे पहले की होनी चाहिए, उसके बाद का कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको और भी कोई असुविधा हो रही है एसएससी को लेकर, कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलिंग में चाहे किसी में भी, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी जो दिक्कतें हैं वो बता सकते हैं, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके असुविधा का जो भी हो रहा है उसका समाधान किया जाए, और जैसे ही आपके क्वेश्चन हमें जो भी मिलेंगे, आपके प्रश्न, उस पर जरूर टीम जो है वीडियो लेकर आएगी, आपके समस्या का समाधान करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।